हाय डियर व्यूअर्स, आज मैंने सोचा कि पहाड़ी थाली बनाई जाए, इसलिए मैं सुबह सुबह अपने बगीचे से हरी सब्जियां, जो जिसमें कि राई और मूली के पत्ते थे, उन्हें तोड़कर हरी सब्जी प्लस पहाड़ी दाल और पहाड़ी चावल आज मैंने लंच में बनाने की सोची है। तो ये हैं फ्रेश और छोटे छोटे बिल्कुल नाजुक कोमल से राई के और मूली के पत्ते, जिन्हें मैंने तोड़ा। और इसके बाद थोड़ी देर मैंने इन्हें निहारा कि वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद हम चल पड़े एक नज़र डालकर अपने बगीचे की ओर घर के लिए। घर ज़्यादा दूर नहीं है, कि मैंने इनको थोड़ी देर भिगाने रख दिया पानी में डुबो के। इससे क्या होता है कि इसकी मिट्टी काफ़ी, अगर आप 5-10 मिनट इसे भिगा लो ना पानी में हरी सब्ज़ी को, तो अच्छे से उसकी मिट्टी निकल जाती है, धोने में आसानी होती है। बहुत ज़्यादा पानी से फिर आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 4-5 मिनट मैंने इसको भिगा के रख दिया ताकि मिट्टी निकल जाए, और उसके बाद 2-3 पानी में और हम इसको अच्छे से धो सकते हैं। और ये आप देख रहे हो सूखा हुआ कड़ी पत्ता, लहसुन, ये दालचीनी, लौंग, इलायची, सॉरी काली मिर्च, तेज़पत्ता, टमाटर, प्याज, अदरक, और साथ में ये जो आप मसाले देख रहे हो ना, ये भी पहाड़ी मसाले हैं। ये यहाँ की गांव की कुछ महिलाओं ने बनाया है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं। इसमें सब कुछ होता है, इसमें आपको हल्दी वगैरह सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है देसी घी जो मेरी मामी ने मुझे दिया है देवपुरी खंसर से। अब मैंने डाल के मसाले तैयार कर दिए हैं, और ये डाला हमने अपना मिक्स मसाला, पहाड़ी मिक्स मसाला। इसका जो है पूरा पानी सूख चुका है और अच्छे से इसका ऑयल ऊपर आ गया है। तो मैंने डाल दी इसमें दाल जो पहले ही हमने उबालने के लिए रखी हुई थी। मैंने मसाला पूरा घी में ही बनाया है, और मैंने सोचा जब तक दाल उबलती है क्यों ना मैं नाश्ता कर लूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। आज नाश्ते में मैंने बनाए थे बर्गर्स, मेरा बेटा तो स्कूल लेके जा चुका है, और ये हमारे बचे हुए थे हमारे लिए, तो कॉफ़ी और बर्गर्स के साथ हमारा ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं देखने आई दाल जो कि उबल रही थी, मैंने सोचा साइड बाई साइड हरी सब्जी भी बना ली जाए। तो तेल में, सॉरी कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। हालांकि इसमें हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ हरी सब्जी में, लेकिन मैंने इस बार स्किप किया क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में मैं बना रही थी। आमतौर पर पहाड़ी गांवों में हमारे यहाँ जिस तरह बनाई जाती है हरी सब्जी। तेल गरम करने के बाद अच्छे से बस सब्जी को छा करके डाल दिया जाता है। वैसे मैं जब हरी सब्जी बनाती हूँ तो मैं उसमें प्याज और हींग डालना पसंद करती हूँ, तो थोड़ा और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। और जो फिर से हमने डाला भाई मिक्स पहाड़ी मसाला और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और ये हैं पहाड़ी चावल, गांव के घर के चावल इन्हें कहते हैं। ये मेरी मामी ने मुझे दिए थे, और मैंने बिना धुले हुए कुकर में, आई मीन क्योंकि जिसमें दाल उबाली थी ना उसी कुकर में मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए, क्योंकि गाँव में ना ज़्यादातर ऐसे ही बनाए जाते हैं चावल। और ये सब्जी को भी बीच बीच में मैं देख रही थी कि ये नीचे ना लगे। अब हमें लगाना है दाल में तड़का। तो क्योंकि मैं बहुत ही कंजूस और इकोनॉमिक टाइप की लड़की हूँ, तो इसलिए मैंने फ्राई पैन में तड़का बनाने के बजाय करछी में बनाना उचित समझा। और ये है पहाड़ी मूली, ये भी मेरी मामी ने दी थी। ये ना टेस्टी काफ़ी हो रही है। वैसे मूली खाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इसमें वो कड़वा कसैलापन सा नहीं है मूली का। फ्रेश मूलियाँ उन्होंने खेत से निकाल के दी थी हमें। हम अभी अपने मामा की बेटी, बड़े मामा हैं जो मेरे, उनकी बेटी गीता की शादी में गए थे, तो उन्होंने वहाँ से काफ़ी सारा सामान लेकर आई है। तो ये मूलियाँ भी वहीं से लाए थे, तो ये खाने में काफ़ी टेस्टी हो रही है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को ये सलाद में बहुत पसंद आ रहा है। हालांकि सलाद में हम लोग टमाटर, प्याज और खीरा वगैरह भी यूज़ करते हैं, बट मैंने कहा आज तो बिल्कुल पहाड़ी थाली। तो ये हो गया मेरा तड़का तैयार। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने, जब मैं तड़का बना रही थी तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, और सिर्फ फ़ोन सिर्फ रखा हुआ था सामने मुझे, मैं भूल गई बटन ऑन करना। तो इसीलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इस तड़के में पहले घी डाला था, उसके बाद जीरा, जीरे के बाद हमने डाला था
हींग जो तड़के की जान होती है, और ये है कसूरी मेथी, इसे कोई लोग कस्तूरी मेथी भी कहते हैं, मेथी के पत्ते, और ये तड़का डाल के तैयार स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। घी के में तैयार हुई दाल, और अब ये इसमें है धनिया के हरे पत्ते जो कि मैंने अपने बगीचे से ही तोड़ के डाले। तड़के में मैंने एक लाल मिर्च भी डाली थी और उसके साथ ये संतरे भी मैं लाई थी वहाँ से देवपुरी खनसर अपनी मामी के घर से, तो उसके साथ ये मूली, ये मेरे हस्बैंड ने बताया कि चावल के साथ ये वाले संतरे खाए जाते हैं उनके गांव में गौचर कमेड़ा में, मैंने पहली बार सुना है। साथ में ये सूखी मटर पनीर की सब्जी मैंने बनाई थी, तो ये हमारी पहाड़ी थाली तैयार है जिसमें कि हरी सब्जी, मटर पनीर की सूखी सब्जी, गांव की दाल, गांव के चावल, गांव की मूली एज सैलेड, और गांव से लाए हुए संतरे, इन्हें माल्टा कहते हैं शायद, ये सब तैयार है। इसमें आपको हरी चटनी की कमी लग रही होगी, हालांकि मेरे पास हरी चटनी का पूरा मसाला है, लेकिन फिर तबीयत खराब थी इसलिए मैंने